हर हर महादेव। ठीक है, hold me close till I get up. Time is barely on our side. मंडे का फास्ट है आज मेरा, सो उसके लिए यू नो मैंने यू कैन से कि मैंने ये वाला लुक जस्ट नॉर्मल जैसे यू नो मैं फास्ट करती हूँ तो ऐसे कुर्ती या सूट सलवार ऐसा ही नो वेयर करती हूँ, तो मैंने आज ये कुर्ती वेयर करी है। यू कैन सी ये यू नो ग्रीन एंड पैरोट कलर का कॉम्बिनेशन है। या तो बात करें आज के ब्लॉग की, तो सावन महीना स्टार्ट हो गया है तो मैंने सोचा कि तुलसी माता जो है उसको भी यू नो मैं एक पौधा यू नो ग्रो करने वाली हूँ, प्लांट ग्रो करने वाली हूँ। सो मैंने उसके लिए टू कटिंग्स ले ली है, तो टू कटिंग में से मैं एक जो है वो पानी में ग्रो करने वाली हूँ और एक जो है वो मैं यू नो सॉइल मतलब मिट्टी में यू नो ग्रो करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा यू नो ग्रो होकर निकलता है, मतलब किस में यू नो फास्ट प्रोसेस होती है, तो वो मैं अभी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। एंड देन ये सारी प्रोसेस होने के बाद मैं करने वाली हूँ मेरी छोटी मोटी पूजा, मतलब आज मेरा फास्ट है तो पूजा करनी है, और पूजा करने के बाद ही यू नो मैं पानी या ऐसा कुछ पीऊंगी। और मैंने अभी ब्रेकफास्ट वो सब मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट मैं पानी पीऊंगी, फ्रूट्स ऐसा ही कुछ खाऊंगी, तो वो मैं आप लोग इस व्लॉग में आप लोगों से शेयर कर दूंगी। एंड बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मेरी जो मॉर्निंग है वो हो जाती है 6 AM से स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं मेरा फेस वॉश कर रही हूँ, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ टी ट्री फेस वॉश फ्रॉम गुड वाइब्स। सो इसको आप 2 to 3 मिनट्स अच्छे से मसाज करिए एंड देन आपको नॉर्मल वाटर से इसको वॉश आउट कर लेना है, क्योंकि आज मंडे है और आज मेरा फास्ट है, तो डेट्स वाई यहाँ पर मैं मेरा आउटफिट चेंज कर लूँगी। यहाँ पर मैंने वेयर करी है ग्रीन एंड पैरोट कलर की ये कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती है। एंड देन यहाँ पर मैं मेरा स्किन केयर है वो कंप्लीट कर लूँगी एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पर मेरा मेकअप करने वाली, जो एवरीडे लुक वाला मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर करा तो वही है। सो कीप ऑन वॉचिंग। जितने भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो मेक श्योर टू चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ आई एम रेडी, सो मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ प्लांटेशन, तो प्लांटेशन के लिए मैंने यहाँ पे टू यू नो प्लास्टिक ग्लास लिए, तो एक में मैंने हॉल बना के रखा है। सो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ रहे थे आई थिंक, यस हमारे मेरे हस्बैंड आ रहे थे क्योंकि वो कुछ काम से आए थे, आई थिंक उसकी पासबुक या चेकबुक ऐसा कुछ लेने आए थे। तो यहाँ पर मैंने ये जो कटिंग्स ले लिया, तो उसमें से मैं नीचे वाले जो लीव्स होते हैं उसको कट कर लूँगी एंड देन उसमें हल्का सा यू नो कट लगा लूँगी नीचे की साइड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉइल है, हाथ से प्रेस करके इसको तोड़ लूँगी एंड जो ये मेरा प्लास्टिक का जो ग्लास था हॉल वाला उसमें बीच में से फिंगर से गैप बनाकर जो ये कटिंग है उसको यू नो अच्छे से सेट कर लूँगी एंड देन इसमें हम थोड़ा थोड़ा ही यू नो पानी डालने वाले और ऊपर से भी आप थोड़ी सॉइल डाल दें ताकि अच्छे से कवर हो जाए। एंड मैं यहाँ पर इसमें डालने वाली पानी थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना। ओके, सो इस कटिंग को मैंने यू नो सॉइल में ग्रो करने की कोशिश करी हूँ एंड देन एक नेक्स्ट जो मैंने ग्लास लिया था वो हम वाटर बेस करने वाले हैं। सो उसके लिए मैंने इस कटिंग का जो नीचे का पार्ट है वहाँ पे हल्का सा कट लगा लिया एंड देन इसके नीचे के भी लिप्स मैंने कट कर दिए थे। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास एक खाली पॉट था, तो उसमें मैं ये दोनों जो मैंने सेट करके रखे ना प्रिपेयर करके वो दोनों मैं इसमें सेट कर दूँगी एंड देन यहाँ पर है शिवलिंग एंड यहाँ पर है धूप लगाने के लिए। सो यहाँ पर मैंने एक लिया है दीपक, तो उसमें बाती लगाकर मैं इसमें दिया जला दूँगी एंड देन यहाँ पर है मेरे पास 2 स्टिक्स होम स्टिक्स है, तो इसको भी जलाकर हम यू नो पूजा कर लेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी पूजा करने वाली हूँ। सो यू कैन सी
ओके सो मैं आ गई हूँ यहाँ पर मेरे मंदिर के पास। तो यहाँ पर भी मैं एक दीपक जलाऊंगी एंड देन यहाँ पर भी एक मोम स्टिक जलाकर यहाँ पे धूप कर दूंगी। ओके गाइस सो मैंने जो मेरी पूजा प्लस मुझे जो प्लांटेशन कराना था वो मैंने कर लिया है। सो अभी मैंने पूजा कर ली है सो अब मैं पानी पीऊंगी। ठीक है ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैंने प्लांटेशन करा है सो मैंने यू नो वीडियो जो यूट्यूब पे वीडियो देखी थी सो उसमें मैंने सॉइल वाला भी देखा था एंड वाटर वाला भी देखा था। तो मैंने सोचा कि दोनों ट्राई करते हैं कौन से यू नो फास्ट ग्रो होता है। सो बात करें वाटर वाले की तो इसमें सब बताया गया था कि 15 डेज में ये ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है वाटर वाला एंड जो सॉइल बेस है वो वन एंड हाफ मंथ ऐसा टाइम लेता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने अभी से इसको प्लांटेशन कर लिया है क्योंकि ये महीना भी शुभ माना जाता है। तो फिर से मैंने इस मंथ में ही यू नो प्लांटेशन करा है। उबले हुए आलू खाऊंगी एंड देन कुछ फ्रूट जैसे कि बनाना ऐसा कुछ सो वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ओके सो अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 11:45 AM। सो यहाँ पर मैं मेरे लंच की प्रिपरेशन करूँ तो यहाँ पे उसके लिए मैंने लिया है साबूदाना और इसको हम अच्छे से ना वॉश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 वाटर से इसको वॉश कर लिया था एंड देन यहाँ पर मैंने कुकर लिया है। तो कुकर में मैंने पानी डाल के उबालने के लिए रख दिया है। सो जैसे इसमें उबाल आएगा तो हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। तो आलू को मैंने यू नो 2 पार्ट में ऐसे कट कर लिया ताकि ईजिली अच्छे से यू नो बॉयल हो जाए। तो यू कैन सी कि पानी में बॉयल आ गया था। सो मैं इसको लीड को क्लोज करके इसको 3 सीटी तक इसका वेट करूँगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 2 सीटी का रिकॉर्ड कर लिया था। तो नाउ यहाँ पर मैं अपनी कर्ड की प्रिपरेशन करूँ क्योंकि कर्ड बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर मैंने उसमें चीनी भी ऐड कर दी है और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि मैं लंच टाइप इसको यू नो खा सकूँ। सो यहाँ पर मेरी 3rd सीटी भी हो गई थी तो डेट्स वाई इसको मैंने क्लोज कर दिया था और थोड़ी 10-15 मिनट्स मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था एंड देन आफ्टर मैं इसको निकाल लूँगी एंड देन इसके जो छिलके उसको यू कैन सी इजीली निकल आते हैं। ठीक है सो इसको मैंने सेट करके रख दिया है। सो यहाँ पर मैंने लिया है मिर्ची देन लेमन हाफ लेमन देन मूंगफली एंड कुछ करी पत्ते। तो मैं यहाँ पर मेरी जो मिर्ची उसको कट कर रही हूँ। सो एंड देन यहाँ पर मैंने इसको भी रफली यू नो कट कर लिया था आलू को। सो यहाँ पर मैंने लिया है एक बर्तन। सो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टीस्पून ऑयल। सो जैसे ये गर्म हो जाएगा तो इसमें हम मैं ऐड करने वाली हूँ कुछ मसाला जैसे कि जीरा है एंड देन हींग। और जैसे ये चटकना स्टार्ट हो गया तो मैंने यहाँ पे डाला करी पत्ता एंड देन इसमें ऐड करूँगी ये मूंगफली एंड देन सारा जो भी था वो सारा मैं इसमें ऐड करूँगी मतलब मिर्ची। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पर जो बॉयल आलू जो थे मैंने रफली चॉप करे थे उसको भी ऐड कर दूँगी एंड देन यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून शुगर ऐड करी है टेस्ट के लिए एंड देन यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर एंड देन यहाँ पे 1/2 लेमन जूस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड देन जो हमने साबूदाना जो भिगो कर रखा था ना वो मैंने 1/2 आवर ही रखा था उसको मैं इसमें मिक्स कर दूँ। तो ये रेडी है आज का लंच। ओके सो इसके साथ साथ ही मैं यहाँ पर मेरे हस्बैंड के लिए भी ना रोटी बना रही हूँ क्योंकि वैसे भी 12:30 जैसा टाइम तो हो ही गया था। तो फिर वो 12:30 के बाद कभी भी यू नो खाना खाने आते हैं घर पर। सो यहाँ पर मैं उनके लिए रोटी बना रही हूँ। सो कीप ऑन वॉचिंग।
get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. सो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा लंच रेडी है, रोटी भी बन गई और ये सब्जी है जो टिफ़िन में बन जाती है, मेरे देवर जी है वो टिफ़िन लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा आटा बिखरा पड़ा हुआ है, सो मैं यहाँ पर फटाफट से क्लीनिंग कर लूँगी। सो यू कैन सी कि यहाँ पर मैं मेरे जो यूटेंशल थे उसको भी वॉश करके रख दूँगी। सारा काम निपटाने के बाद आई प्रिफर टू टेक 1 glass of water। ओके गाइस, तो अभी हुए हैं नाइट के 9 o'clock, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं एंड हमारा जो डिनर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड आफ्टर डेट मैंने जो मेरी आउटफिट है, मेरा जो ड्रेस था उसको भी मैंने चेंज कर लिया है, प्लस मैंने मेरा स्किन केयर भी कर लिया है। यू कैन सी कि अभी कोई भी मेकअप मेरे फेस पर नहीं है, तो जस्ट अभी मुझे लिप बाम अप्लाई करनी है। आई हैव दिस ब्लू हेवन लिप बॉम। अगर आप मेरे वीडियोस डेली वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं इसको एज अ लिप बाम मॉर्निंग एंड नाइट दोनों स्किन केयर में इंक्लूड किया है। एंड बीच बीच में जब भी मैं वीडियो शूट करने के लिए जब भी मेकअप करती हूँ, तो बिफोर अप्लाइंग एनी लिपस्टिक ऑन माई लिप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अप्लाइंग दिस लिप बाम एंड देन आफ्टर आई अप्लाई माई लिपस्टिक। ओके सो, और वैसे भी जब मैं मेरा मेकअप रिमूव जब भी करती हूँ तो उस टाइम भी मैं लिप बाम अप्लाई कर लेती हूँ। तो अभी जस्ट मुझे मेरे हेयर है उसको कॉम्ब करके देन इसको बन बनाकर सो जाऊंगी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, क्योंकि आज था सोमवार, मंडे श्रावण महीना का फर्स्ट मंडे था, फर्स्ट पहला सोमवार था, तो आज मेरा फास्ट है क्योंकि सारे सोमवार को मेरा फास्ट होता है, प्लस मुझे पूनम भी रहनी होती है। तो इस टाइम जो पूनम है वो संडे को है, मतलब संडे एंड मंडे मेरा कंटिन्यूस 2 दिन फास्ट चलने वाला है। सो वो तो हो जाएगा ठीक है, बट अभी मैं मेरे हेयर को कॉम कर रही हूँ एंड देन मैं इसको अच्छे से सेट करके सो जाऊंगी। ओके सो आई होप कि आपने आज का मेरा ये व्लॉग एंजॉय किया होगा एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा, क्योंकि मैंने प्लांटेशन भी कराया है ठीक है। सो वो तो कैसे ग्रो होता है, कैसी उसकी ग्रोथ रहती है, वो तो मैं आप लोगों से मेरे व्लॉग में नेक्स्ट टाइम शेयर करती ही रहूंगी। बट बात करें आज की, तो आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इफ यस देन डू लाइक एंड शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहे। सो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। पहले मैं मेरा बंद बना लेती हूँ, देन हम हमारे वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे।